दोस्तों, क्या आपकी हड्डियों में से कटकट की आवाज आती है? पूरे दिन आपको थकान बनी रहती है, दांत समय से पहले गिर रहे हैं, नाखून अपने आप टूट जाते हैं? अगर आपके दांतों में कैविटी की समस्या है या मसूड़े आपके बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, तो ऐसे में आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। यस दोस्तों, हमारे लिए कैल्शियम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या कारण है कैल्शियम डिफिशियंसी के? कैसे पता करें कि कैल्शियम की डिफिशियंसी है या नहीं, और कैल्शियम को किस तरीके से इनटेक करें जिससे हमें पथरी ना बने? आज इस वीडियो में मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ग्रैब करके जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो अपनी ईशा के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, कैल्शियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है आपकी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, हार्ट के लिए, मसल्स के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए। बॉडी में जब भी कैल्शियम की कमी होने लगे तो इन ऑर्गन्स पे अच्छा खासा असर आपको देखने को मिलता है। सिस्टम में कुछ ऐसा है कि हमारी हड्डियों और दांत में से कैल्शियम जो है बॉडी को खींचना शुरू कर देती है। इससे आपको लोअर बैक में पेन होने लगता है, काफी ज्यादा दर्द रहता है, नेक में बहुत दर्द रहता है, जोड़ों में से कटकट की आवाज आती है, थोड़ी सी चोट लगती नहीं कि फ्रैक्चर हो जाता है। दांतों में सडन होने वाली जो भी दिक्कतें हैं वो आपको फेस करनी पड़ती हैं। कुछ और लक्षण भी हैं जैसे फटीग, यानी हमेशा थकान सी बनी रहती है, मसल्स में पेन होता है, क्रैम्प्स होने लगते हैं, नेल्स या फेस ऐसे व्हाइट स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं, नाखून जल्दी टूटने लगता है, आप फोकस नहीं कर पाते, नींद भी आपकी ठीक से पूरी नहीं हो पाती। ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। हड्डियां जो है आपकी काफी ज्यादा पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको अर्थराइटिस होने की समस्या बढ़ जाती है। साइंटिफिक स्टडी बताती है कि कैल्शियम की कमी से सोराइसिस और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं। स्टडी में ये भी सामने आया है कि जिन वुमेन ने 2 महीने तक लगातार कैल्शियम का सेवन किया, उन्हें PMS प्रॉब्लम जैसी चिड़चिड़ापन बहुत कम हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैल्शियम की कमी होती क्यों है? हम रोज बढ़िया तरीके से खा पी रहे हैं, फिर आखिर क्यों? कुछ कारण बड़े ही साफ है। सबसे पहला तो ये कि डाइट में कैल्शियम है ही नहीं। दूसरा ये कि हम कैल्शियम रिच फूड खाते तो हैं, लेकिन बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तब होता क्या है, आपका पेट खराब हो जाता है, या कुछ आप ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जिसकी वजह से जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाता है। बाकी स्टडी ये मानती है कि स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीने से, एक्सेसिव शुगर इंटेक करने से बॉडी में कैल्शियम जाता ही नहीं, हमारी बॉडी ठीक से उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। कैल्शियम की जब बात होती है तो दूध की याद आती है, लेकिन आजकल दूध की क्वालिटी इतनी ज्यादा डिग्रेड हो गई है कि दूध आपको पचता ही नहीं, और दूध पीते ही आपको पेट में गैस बनती है या फिर आपको इमीडिएटली टॉयलेट जाना पड़ता है। तो समझ लो कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कुछ ऐसे वेजिटेरियन फूड सोर्सेज शेयर करने वाली हूं जो दूध से ज्यादा जिनमें कैल्शियम होता है। पहला है चूना। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम शब्द ही लैटिन शब्द है जिसमें जो वर्ड है कैल्स, यानी इसका मीनिंग होता है चूना। ये बात सही है कि चूना कैल्शियम की डिफिशियंसी को खत्म करने का बेस्ट तरीका है, लेकिन इसे लेना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि चूना ईडेबल होना चाहिए, वो आपको इस्तेमाल करना है। दीवारों पे लगने वाला चूना आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, उससे आपका मुंह कट जाएगा। चूने की प्योरिटी आपको अच्छे से चेक करनी है, और वो साथ में ईटेबल होना चाहिए। ये चूना आपको किसी भी पान की दुकान से मिल जाएगा, किसी किराने की दुकान से, या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर से भी आपको मिल जाएगा। अब इस ईडेबल चूने की आपने बिल्कुल चुटकी सी, छोटी सी, मतलब गेहूं के दाने जितना आपने लेना है, और हर रोज दही में मिलाकर आपको सुबह के समय इसको खाना है। आयुर्वेद में भी इसका जिक्र किया गया है। 15-20 दिन के लिए ऐसा करके देखें, आपके शरीर में जो कैल्शियम की डिफिशियंसी है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। दही में हमने इसलिए मिलाकर खाया क्योंकि ऑयली मीडियम से कैल्शियम जल्दी एब्जॉर्ब होता है, और दूसरा दही खुद एक कैल्शियम का बहुत बढ़िया सोर्स है। आप दही नहीं लेना चाहते तो किसी सब्जी के ऊपर इसे मिला सकते हैं। इस चूने को अगर आप पानी से मिलाकर लेंगे तो उतना असर नहीं करेगा। इसका एक बड़ा कारण ये है क्योंकि कैल्शियम की गोलियों को भी पानी से लेने से वो असर नहीं करती। इनफैक्ट पानी से कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सफेद तिल। जी हाँ दोस्तों, 100 ml दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, वहीं तिल के 100 ग्राम में 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो कि ऑलमोस्ट 8 गुना है। फिर भी हम दूध को ही कैल्शियम का बेस्ट सोर्स मानते हैं। यही नहीं, इसमें मैग्नीशियम भी भरपूर होता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और सर्दियों में तो आप आराम से सफेद तिल के लड्डू या गुड़ के साथ इसको बनाकर खा सकते हैं। तिल में गुड़ की चिक्की भी मिलाकर खा सकते हैं, लेकिन गर्मी में तिल बहुत ज्यादा ना खाएं। ड्राई रोस्ट करके रख लें और 1 चम्मच आटे में इसे गूंद लें, या फिर दूध के साथ, दलिये के साथ, या किसी सब्जी में मिक्स कर थोड़ी क्वांटिटी में लड्डू भी बनाकर इसके आप खा सकते हैं, या फिर तिल के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में आप खाना पकाकर भी खा सकते हैं। आयुर्वेद में लिखा है कि अगर कोई तिल के तेल के साथ मसाज करे और थोड़ी देर धूप में बैठ जाए तो उसके शरीर में कैल्शियम के साथ साथ उसको विटामिन डी भी मिलेगा। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 3, और वो है कुत्थी की दाल। दोस्तों, सारी दालों में कुत्थी की दाल कैल्शियम में नंबर 1 होती है। इसे 100 ग्राम में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसका नाम ही हॉर्स ग्राम रखा गया है,
क्योंकि इसमें घोड़े जैसी ताकत है। जनरली लोग डरते हैं कि कैल्शियम खाएंगे तो पथरी हो जाएगी। ये दाल जो कैल्शियम में इतनी हाई है, ये उल्टा पथरी को भी तोड़ने में आपकी मदद करेगी। ये एंटी डायबिटिक होती है, बस आप इस नॉर्मल दाल की तरह ही इसका इस्तेमाल करें। बाकी राजमा के 100 ग्राम में भी 270 मिलीग्राम के आसपास कैल्शियम होता है। काले चने के 100 ग्राम में 220 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसलिए आप हफ्ते में एक बार काला चना खा लें, एक बार राजमा खा लीजिए और एक बार कुत्थी की दाल खा लें, बस फिर आपको कैल्शियम के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट है राजगिरा, यानी जिसे हम अमृत या रामदाना भी कहते हैं, क्योंकि ये कोई अनाज नहीं। आपने उपवास में के दिन कभी न कभी इसे जरूर खाया होगा। इसके 100 ग्राम में 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, इसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम, विटामिन सी तक पाया जाता है। ये ऐसा अकेला ही वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इस वजह से इसे कंप्लीट वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। ये एक्स्ट्रा फैट को कम करने में हेल्प करता है। आप इसे नॉर्मल अनाज की तरह यूज करें, चाहे आटा गूंद के रोटी बना लें, चाहे चावल की तरह सब्जी डालकर खा लें, चाहे दूध या सब्जियां डालकर दलिया बना लें। एक्चुअली जो लाल साग होता है, जिसे चौलाई भी कहते हैं, इसी के पत्ते होते हैं ये। इसलिए जब भी लाल साग सीजन में आए तो उसे जरूर खाएं। बाकी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी, अरबी के पत्ते या बंद गोभी में कैल्शियम भरपूर होता है। और लास्ट है रागी। डायबिटीज लोगों के लिए बेस्ट अनाज माना जाता है, क्योंकि ब्लड शुगर को लो रखता है और कैल्शियम में काफी हाई होता है। इसलिए आपको रागी में 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। इसे पोटेशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिस वजह से ये ब्लड प्रेशर को लो रखता है। इसमें काफी आयरन होता है, जिसकी वजह से आपके हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ने लगता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करें कैसे? आप रागी का डोसा बनाकर खा सकते हैं, इडली बनाकर खा सकते हैं, या फिर इसकी रोटियां, या फिर इसका दलिया बनाकर भी खा सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप इसे खाएं तो डेफिनेटली आपके शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। गुड लक।